हाय फ्रेंड्स वेलकम टू द गेम विच एन्जॉय द मोस्ट द गेम ऑफ एल्कोहल्स आज काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो डाल रहे हैं उसके पीछे एक पर्सनल रीजन था जो हमने अपने कम्युनिटी पे भी आपको इन्फॉर्म किया था क्योंकि आप हमारी फ़ैमिली आपको भी पता होना चाहिए किस रीज़न से वीडियो लेट हुई ऐसा नहीं है कि हम लाइटली ले रहे थे इस काम को बट अभी फ़िलहाल बैक टू नॉर्मल अब हम एक दोबारा से स्टार्ट करने लगे हैं और उसके लिए अगेन कुछ स्टार्ट नया कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए हमारी वीडियो में और जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है हमारे बारे में कि हम यूनिक से यूनिक चीजें ढूंढ के लाते हैं ठीक उसी तरह आज भी हमने वैसी ही वापसी की है टुडे द प्लेयर ऑफ द गेम इज हॉक्सटन विस्की यह आती है मोदी इल्वा ग्रुप से और इसने जब लॉन्च हुई तो इसने अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी ग्रिप बना ली है बिल्कुल और इसके जो टफ़ कॉम्पिटिशन है पहले तो इस सेगमेंट में काफ़ी कम ऑप्शन आती थी चार के बाद सीधा सात या आठ सौ जाना पड़ता था अब रिसेंटली फाइव 600 वाले सेगमेंट में काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं रॉयल रॉयल स्टैक बैरल सेलेक्ट हो गई अभी हमने विस्किन क्राफ्ट ऑल सीजन ऑल सीजन विस्किन क्राफ्ट हॉक्सटन और एक और है जो हम सोच रहे हैं वो भी रिव्यू करेंगे वैसे जैसे कि आप जानते हैं कि ये मोदीवा ग्रुप से यानी कि ये रॉकफोर्ड का छोटा भाई है इस ग्रुप से हमें हॉक्सटन के अलावा दो ब्रांड और हैं मिलते हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं एक तो रॉकफोर्ड और दूसरा है आर्टिक का।, का और इनका जो पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था वो था आर्टिक वोड का आर्टिक वोड का तो काफ़ी यूनिक मैनर में इन्होंने लॉन्च किया था जनरली जब भी कोई कंपनी दोबारा स्ट्राइक करने की कोशिश करती है मार्केट पेनिट्रेट करने की कोशिश करती है तो वो विस्की के साथ आती है लेकिन वोडका के साथ जाना एक यूनिक चॉइस थी एंड दे वर सक्सेसफुल आज भी आर्टिक बोर्ड का काफी पॉपुलर है और उसका भी रिव्यू हम आपके लिए जल्दी लाएंगे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा बार बार हम मेंशन कर रहे हैं मोदी इल्वा ग्रुप मोदी ग्रुप इट इज अ पार्टनरशिप ऑफ मोदी एंड इलवा ग्रुप और ये वही मोदी ग्रुप है जो आप कभी अगर राजनगर एक्सटेंशन या गाजियाबाद से लेफ्ट होकर आगे जाएंगे जो हरिद्वार हरिद्वार मेरठ रूट पे मेरिट रूट पे तो उस पर आपको मिलेगा एक मोदी नगर शहर और वहाँ बड़ा बड़ा एक टैंक के ऊपर मोदी लिखा होता है जहाँ पे शुगर मिल है ये वही मोदी ग्रुप है जो शुगर इंडस्ट्री के अंदर काफी छाए हुए हैं और वहीं पे आपको रास्ते में जैनसी गंजी भी मिल जाएगी चाहे तो आप वो भी पी सकते हैं अब उपर, इसका नाम है। तो इट इज हॉक हॉक यानी बाज और बाज एक सिंबल होता है विथ स्टैंड फॉर फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ और वहीं से इंस्पायर होकर आप देख सकते हैं सिंबल पे भी हॉक बना रखा है जो क्लोजली हम अभी आपको बॉक्स ओवरव्यू में दिखाएंगे एंड नाम भी उसी से डराइव होकर इन्होंने रखा है हॉक्सटल अब चलते हैं हम बॉक्स ओवरव्यू पे चलिए अब अगर मैं बॉक्स क्वालिटी की बात करूं या ब्रांडिंग की बात करूं इट इज़ टॉप नॉच बॉक्स क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इससे जो एक या दो सेगमेंट के ऊपर की जो विस्कीस आती हैं ट्रस्ट मी उस क्वालिटी का बॉक्स है ये मतलब मैं बोलूंगा रॉक फूड की जो क्वालिटी होती है ना बॉक्स की इन अभी उसकी टक्कर या उससे थोड़ी बेटर ही है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग और यहाँ पे एच विथ स्टैंड फॉर हॉक काफी मिनिमल ब्रांडिंग करी गई है बट इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर बॉक्स क्वालिटी के बाद अब देखते हैं कि बॉटल में ऐसा क्या खास है क्योंकि बॉक्स ने तो हमें काफ़ी इंप्रेस किया है और अब चलते हैं इसके बॉटल के ऊपर और देखते हैं क्या खास है उसमें इन द रिस टाइम्स स्पेशली कंसिडरिंग के जो ये बजट है दिस इज आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट बॉटल डिजाइन दैट आई सीन अब मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि बॉडल डिज़ाइन तो सब्जेक्टिव होता है बट द वे इट हैज़ बिन ब्रांडेड हॉक्सटन वो जो हॉक की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर भी है कैसे एम्बेडेड है एम्बॉस्ड है इस साइड पे भी आपको हॉक्सटन दिख जाएगा विच इज अगेन जो लेबल क्वालिटी है या बॉटल शेप है वो बिल्कुल टॉप नॉच है लेबल देखिए कितना लिमिटेड बट टॉप क्वालिटी ऑफ लेबल और हॉक आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा जो काफ़ी अच्छा लग रहा है अगर आप देख पाए तो और अब चलते हैं इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं जो काफ़ी ज़रूरी है जानना ये 375 सेवेंटी की बोतल है इसका जो प्राइस है डेली में दैट इज़ टू हंड्रेड ओनली इसका जो ए है दैट इज़ फोर्टी अब चलते हैं पोरिंग पर और देखते हैं क्या खास है इसमें लेट्स प्ले द गेम इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि इसमें मोलेसिस नहीं है और दूसरा एक माइनस पॉइंट भी है कि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एडिड हैं और इसको एक चीज़ और स्पेशल बनाती है कि ये दिस विस्की इज़ अ डबल डिस्टिल्ड एंड अ डबल फिल्टर्ड विस्की जो इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी बात है बट अभी जैसे कि फादर साहब ने आपको बताया कि इसका जो नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें जो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंस यूज हुआ है वो सही नहीं है uh, वो ना करते तो शायद ये विस्की और मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाती uh, अब चलते हैं हम इसकी नोजिंग की तरफ और देखते हैं क्या खास है इसमें बर्ंट वुड का जो एसेंस है वो मिल रहा है नोज पे इट इज़ मीडियम इट इज़ नॉट वेरी लाइट और बहुत ही बुरी तरह स्ट्रॉन्ग भी नहीं है बट मीडियम है इट इज़ नॉट लाइट एट ऑल हल्की सी इसमें मुझे फ्रूटीनेस मिल रही है एंड अ बिट ऑफ ऑरेंज पील दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग ऑन द नोज नोज पे जो है थोड़ी सी जो मीडियम मैंने कहा या थोड़ी सी स्ट्रोंगर साइड पे जैसे जस्ट जानी शुरू होती है उस लेवल की विस्की है बट प्रोफाइल्स फिर भी ये दे पा रही है तो काफी इंटरेस्टिंग है अब इसके कलर और टेस्टिंग के लिए चलेंगे फादर साहब के पास और देखते हैं उनका क्या कहना है कलर की बात करें तो कलर तो गोल्डन है गोल्डन कलर है और आर्टिफिशियल कलर ऑब्वियसली एडेड है इस सेगमेंट में पहला स्टेप होता है कि अभी इसमें हार्शनेस है या नहीं है मेरे को हार्शनेस इसमें नहीं लगी ठीक है स्पाइसीनेस थोड़ी सी है इनटेक पे है इंटेक पे ठीक है और एल्कोहल बर्न कोई अंदर नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और थोड़ी सी फ्रूटी फील हुई है थोड़ी सी ओके मतलब अगर इस बजट की विस्की आपको बर्न भी नहीं दे रही और वो सब चीजें नहीं दे रही उसके बाद फ्लेवर्स दे रही है तो एक अच्छा साइन होता है पैल, पैलेट पे वुडीनेस फील हुई है ओके और वनीला का टेस्ट आ रहा है इसमें एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें इस सेगमेंट में ऑलमोस्ट स्वीटनेस होती है बिस्की में फाइव हंड्रेड फाइव हाँ होती है। तो इस सेगमेंट में स्वीटनेस होती है मगर इसमें स्वीटनेस नहीं है जो कि एक अच्छी बात है क्यों नहीं है क्योंकि इसमें मोलेसिस नहीं, नहीं है ओवरऑल लोगों को जिनको पसंद है स्वीटनेस वो अपनी च्वाइस के हिसाब से ले सकते हैं क्योंकि हाँ ये उनके लिए ऑप्शन है भाई ये स्वीट नहीं लेनी तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं ठीक है और जैसे कि आप जानते हैं कि ये विस्की का एक टफ़ कंपटीशन ऑलरेडी चल रहा है और इसका कंपैरिजन भी होना बनता ही है किसके साथ होगा ये तो वक्त बताएगा लेकिन अगर हम बात नहीं अगर हमारे सब्सक्राइबर्स कुछ बताना चाहें तो, तो बता बता सकते हैं आप अब बात करें अगर हम इसकी ओवरऑल रेटिंग की या एक्सपीरियंस की तो वो आपको क्या लगता है एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा रहा ठीक है मगर रेटिंग में मैं इसको एट ही देना चाहूँगा एट जो मैंने विस्किन क्राफ्ट को भी दिया था ये काफ़ी सिमिलर रेटिंग हुई है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसका कंपैरिजन देखना चाहेंगे या किसी और के साथ भी कंपैरिजन देखना चाहेंगे और ये जो वीक है क्योंकि काफ़ी डिले हो गई थी वीडियोस अब डिले नहीं होगा होपफुली बाय गॉड्स ग्रेस तो सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमारे लिए एक कम होने वाला एक सीज़न का वो क्या है आप कॉमेंट सेक्शन में आइडिया लगाइए चलिए छोड़िए हम आपको बताई देते हैं बियर की वापसी हो रही है so, अगर आप एक्साइटेड हैं बियर रिव्यूज के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था मुझे वो वाली बियर का रिव्यू सबसे पहला चाहिए और मैंने उन्होंने प्रॉमिस भी किया था तो हम अपना प्रॉमिस पक्का पूरा करेंगे कीप लविंग अस डू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड रिमेंबर ड्रिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द ग्लास द क्लास पीना भी एक कला है टिल